सत्प्रवर्धकाचार्य अष्टोत्तरशतश्रीश्रीमद्भिवाइंग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीपीटी फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस त्रिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशतश्री श्रीमद शिवभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णववृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। मथुरापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्तवृंद की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की, श्री श्री गौर निताय की, पिथाय गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरी टू द सिंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरी टू द सिंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरी टू द सिंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गुरु विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। टॉपिक यू टोल्ड अस थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल्स। अच्छा। ओम ज्ञान धीरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणारघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणारविता श्रीविशाखान्विताश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण आज हम सभी का सौभाग्य हमारे बीच में है बात सुंदर श्याम गुरु जी। तो 1996 में जब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में थे तब इस मन के संपर्क में आए और उन्होंने ये कम्प्लीट करने के पश्चात निश्चय किया तो अपना पहले निश्चय कर लिया था कि इंजीनियरिंग कम्प्लीट करते ही पूरे अपने जीवन भगवान जो व्यक्ति है प्रचार प्रसार को समर्पित किया। और गुरु जी 1998 में ज्वाइन किए थे और 2000 और प्रभु जी इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि प्रभु जी ने कृपा जी सभी ग्रंथों को बारंबार कंप्लीट भी पढ़ा है। तो आज मैंने प्रभु जी दो बार तीसरा इन तीसरा दो बार पढ़ी और पूरे वन 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 में विचार कर रहे हैं और आज पूरे संभाग के लिए और हिंदी में इंग्लिश 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 ओके। सो अवर डिस्कशन टुडे इवनिंग वुड बी ऑन द टॉपिक ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर थ्री गुड थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। सो मटेरियल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड इज देयर बहिरंग शक्ति शी इज मेड अप ऑफ गुणस थ्री मोड्स। माया अटैकिंग ऑल ऑफ अस मीन्स वी आर बाउंड टू सम एक्सटेंट ऑफ द अदर बाई इधर इग्नोरेंस तमोगुण और पैशन रजोगुण और
सत्वगुण गुडनेस वन ऑफ द थ्री टू ऑफ द थ्री और ऑल द थ्री इन डिफरेंट डिग्रीज वी आर बाउंड अप सो दैट इज अवर प्रॉब्लम दैट इज वॉट इज कॉल्ड अ बॉन्डेज ऑल्सो वी कैन से दैट वी आर स्टक इन द साइकिल ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ बट इन अदर टर्म्स ऑल्सो वी कुड स्पीक दैट वी आर बाउंड बाय द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर प्रॉपस इज दिस गुणस गुण इन संस्कृत means in English also ropes three modes also guna means modes but it also means ropes bind a person so when one is bound by tamo guna that is ignorance he is said to be bound with some normal ropes let's say what that cloth ropes or whatever it is and somebody is or iron ropes you can say iron chains and somebody is bound with passion ignorance passion means rajogun that means he is bound by silver chains and somebody is bound by goodness sattvagun that means he is bound by golden chains so which one you prefer iron chains silver chains or golden chains how many of you prefer golden chains 1 2 how many of you prefer silver chains that means except two all are preferring third chain iron chains no then what do you choose no chain good chain chala jayega aapke jeevan se agar chain mein band gaye to so one is supposed to be free from the all three modes one should not choose golden chains over silver chains or silver chains over the iron chain because all three means bound up condition you just can't do anything that you expect you want to do You are bound up. So scriptures recommend that we get free from the bonds of material nature. These three modes. Krishna says in Bhagavad Gita, Trigunya Vishaya Veda, Nistrigunya Bhavarjuna, Nirdvando Nitya Sattvastu, Niryoga Kshema Atmavan. Trigunya Vedaya Veda, Trigunya Vishaya Veda. Even the Vedas also are talking about three modes only. And what is that in normal other terms? धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म मीन्स रिलीजन वी रिलीजियस परफॉर्म सम रिलीजन पूजा दान पाठ समथिंग यू डू दान यज्ञ तप एक्सेट्रा दिस थिंग्स यू शुड डू सो दैट फ्रॉम धर्म विल कम अर्थ प्रॉपर वे ऑफ अर्निंग मनी बिकॉज इफ यू आर धार्मिक इफ यू आर पायस इफ यू आर रिलीजियस देन गॉड विल सेंड यू प्रॉस्पेरिटी You will have a lot of things in your life. You will have wealth, you will have beauty. So, what for dharma? For economic development, earth. There are so many ways of economic development. Modern day is work hard, make a donkey, put a donkey to shame. You work that hard and earn a lot of money. But that is not Vedic style. That is, Vedic style is be religious, then prosperity. वेलकम कृष्ण से यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवानि तिरुमति लास्ट श्लोक 78 ऑफ 18 चैप्टर सो दैट इज टॉकिंग अबाउट कृष्ण सरेंडर टू कृष्ण बट इवन अदर पायस एक्ट्स एंड सरेंडर टू डेमी गॉड्स फॉलोइंग सम रिचुअल्स लर्न लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फॉर वॉट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर काम इंद्रिय तृप्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन इफ यू हैव मनी यू कैन परचेस any gratification any enjoyment that you want women wealth eating sleeping mating defending all enjoyment can be yours if you have money so dharma or artha artha or kama and after doing all three you'll be disgusted with all the pleasures you'll understand it's all temporary nothing permanent so you will go for moksha liberation so most of the vedic literature you can say more than 95% more than 96% of the Vedic literatures, you know, four Vedas, 18 Puranas, 108 Upanishads, they all focus on these four goals only, dharma, artha, kama, moksha. In Sanskrit, they are called purusharatha. So they are all basically based on sattva-gun, rajogun, tamo-gun. So one should not go for this. So Krishna is saying, nistraigunya bhava arjuna, arjun, go beyond the three modes of material nature. Otherwise, you will be bound in the cycle of birth and death and birth and death means in between diseases will be there old age will be there and then adhyatmik adhi bhautik adhi daivik klesh will be there miseries caused by one's own body and mind
मिसरीज कॉज में अदर लिविंग एंटिटीज मिसरीज कॉज में सुपर नेचुरल पावर्स क्लाइमेटिक डिजास्टर्स सो दिस इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ सो दैट्स व्हाई वन शुड गो बियॉन्ड इन फैक्ट द थ्री वर्ण एंड फोर वर्णज एंड आश्रमज एट फोर वर्णज फोर आश्रम दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस गुडाज ओनली गुड Yeah, I'm going to elaborate. I just introduced, now I will be elaborating. That's what generally I do. In case you feel clarification, elaboration somewhere, you ask directly in the middle of the class. So Brahman is predominantly in the mode of goodness. And he has activities, functions, yajan, yajan, patan, patan, dan, pratigraha. Yajan, he learns the Vedic sacrifices, how to perform yajna. Swaha, idam agneya namaha, idam namama. इदम वायव्याय नमः ये वायुदेव के लिए इदम नमः ये मेरे लिए नहीं ये सब यज्ञ करना सीखना एंड देन टीचिंग इट टू अदर स्टूडेंट्स एक्सेट्रा बिकमिंग अ टीचर यजन याजन पठन पाठन रीडिंग द स्क्रिप्चर्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम गुरु हियरिंग फ्रॉम हिम एंड देन पाठन टीचिंग टू अदर्स एंड देन दान प्रतिग्रह एक्सेप्टिंग चैरिटी एंड गिविंग चैरिटी ऑल्सो ऑफ नॉलेज सो दीज आर द सिक्स फंक्शंस ऑफ ए ब्राह्मण And Brahman's characteristics, qualities are also given. Shama, Tama, Tapas, Shaucham, Shanti, Rarajavam, Evacham, Jnanam, Vijnanam, Astikyam, Brahma, Karma, Subhavajam. 18th chapter, somewhere after the 41st verse also. Krishna says, what are the activities? Brahma, Karma, Brahmana's karmas, activities. Shama, he has control over mind. Dama, he has control over his senses. Our eyes go in all wrong direction. Our nose wants to smell all... nasty things, not so good things. Ears want to hear very wrong type of music. Tongue wants to eat anything which is not offered to Krishna. All our senses go haywire in all different directions. If you have seen that chariot driver analogy in Bhagavad Gita picture, the horses, five horses are compared to five senses, nose, ears, tongue, skin, eyes. And they are all going in five different directions because the charioteer, the intelligence is very weak. The ropes, reins of mind are very strong. So the senses go haywire. But that does not happen for a Brahman. So Shama, Dhamha, Tapa is very austere. He can perform austerities. Chaucham is very clean. Twice or thrice he will take bath. Wear always fresh clothes. And internally also he will have Vedic mantra chanted. So that internal purity is also there. Like Ajamil was, but pure Brahmin. But unfortunately, he came across such a deadly sin in the jungle, forest, that a very low-class man, Shudra, was embracing a low-class woman, a prostitute, Vaishya. And they were kissing, embracing, their eyes were rolling, they were intoxicated, their bodies were smeared with turmeric, which is quite a provoking, sexually agitating sight. Nowadays, there is porn sites. So this was a porn site in Satyayuga, millions of years back, not on screen, in front of the eyes. He got carried away. So, Tama Dama Tapa Shaucham Kshantir, he has tolerance. Brahmanas are, they can tolerate what? Insult. Kshatriya just can't tolerate insult. Insult is worse than death, dishonor is worse than death for a Kshatriya. And the test of a Brahmana is how many insults he can tolerate. More insults he can tolerate, more he is actually a Brahman. Like that. Kshatriyas can tolerate physical injury, pain, blood, etc. Whereas Brahmanas cannot. So they have different characteristics. Shama, Dhamma, Tapa, Shaucham, Kshantir, Arjavam. They are simplicity. Simple living, high thinking. Sudama Brahman, you can say. Just happy with whatever comes of its own accord. यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वंद्वातीत विमुत्सरः यदृच्छालाभसंतुष्टो वट एवर कम्स ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड जो भी मिला प्लेट में राइस दाल सब ठीक नहीं मिला जो आया वही ठीक नॉट एंडेवरिंग टू मच हियर एंड देयर सो शांतिरार्जवम एव च ज्ञानम दे हैव नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स थेरेटिकल नॉलेज विज्ञानम दे ऑल्सो हैव द रियलाइजेशन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज जस्ट लाइक वी हैव pure science, physics, chemistry, everything. And then we have applied science, using that physics, chemistry, laws, etc. for some appliances, something, instruments you can make, something, applied science. So like that, jnana and vijnana. Jnana, vijnana, astikyam.
ही हैज फेथ दैट गॉड एग्जिस्ट. ईश्वर अस्ति ही इति आस्तिक. गॉड एग्जिस्ट वन हू सेज दैट ही इज आस्तिक थीस्ट. ईश्वर न अस्ति नास्तिक इज एथीस्ट. ही डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. ब्राह्मण बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्राह्मणस एंड ब्राह्मणस आर प्रिडोमिनेटली इन द मोड ऑफ गुडनेस. And Prabhupada says ours is a Brahmanical lifestyle. So that's why in ISKCON we take bath twice a day at least. We wear fresh clothes. We speak the truth. We also control our senses. We just don't allow anywhere and everywhere the senses to go. Meat eating, gambling, illicit sex, intoxication, being detrimental to our spiritual progress, we avoid them. We keep away from them. We stay with devotees so that we get strength to be able to follow these four regulative principles of no meat eating, gambling, illicit sex, intoxication. So that is Brahman. Then Kshatriya is there. Kshatriya's characteristics are also given next to Brahmanas. So Yuddhecha Apalayanam. He will never run away from the fight. He will die but not show his back, feet to his enemy. Mar jaunga, chhati pe le lunga sab boliye, lekin peeth nahi dikhaunga, bhag nahi jaunga. Otherwise a coward. And he is shurta, he has valor. He has a lot of teach. He has that Ishwara Bhav that I control, I maintain so many people. That kind of nature. That is a Kshatriya. Kshatriya is predominantly in the mode of passion. Everyone, their khun khalta hai unka. Hot-blooded kind of. That's why they should be controlled by the advice, guidance of the Brahmins. Every king would have a board of ministers. All of them Brahmins, because they are cool-headed and they guide the king. Okay, now this trouble has come, so you should, the king will be like, you know, like that. Here your Purushottam Devaraya, father of Pratapudra, when he was not exactly insulted, but it was comment was made by the South India king that the king here is a bhangi street sweeper. We saw in Jagannath Rath Yatra, he was sweeping the street. So we will not give our Rajkumari, princess, in marriage to him. So he became very angry, attacked the king, got defeated. And he was wondering, I am the street sweeper for Lord Jagannath. For protecting Lord Jagannath's image, I went there and I got defeated. He became morose. So one sadhu met him and said, did you take permission of Lord Jagannath before attacking the king? So no, I forgot, I became so angry hearing the insult. I just directly attacked. He said, Sadhu said, go back to Jagannath Puri, take his blessing, Lord Jagannath's blessing, then you will be successful. And when he went, Jagannath Baldev said, oh king, don't worry. We too will be personally heading your whole army as the commanders in chief of your army. And then he got some strength. Then he went, and long story, you might have heard, ultimately he understood already Jagannath and Baldev are gone in front, quite miles ahead of him, and then they defeated also. King became very much victorious. So we can see Kshatriyas are conducted by the mode of passion. Then the Vaishyas, Krushi Goraksha Vanijyam. Krushi means farming, Goraksha means cow protection, and farming is banking. So Krushi Goraksha Vanijyam, Vanijyam is banking. So these are the activities of Vaishyas. Vaishyas are predominantly in the mode of passion and ignorance, the mixture. And the last one are the Shudras, laboral class. So they are just supposed to serve the upper three classes. Because they are not controlled in senses, women and wealth, these are two weaknesses. They will fall prey to some addiction, drinking wine, women. These are all weaknesses of Shudras. That's why they are not given wealth. They are just given foodstuffs, old clothes of the householders. By Brahmana, Kshatriyas and Vaishyas. Shudras are predominantly in the mode of ignorance. So all these personalities, we can see they have their different behaviors. We are also recommended to be in the mode of goodness minimum. Goodness is not the end. Goodness is the beginning. Just like I go to airport tomorrow, we will go to Bhubaneswar airport. That's not the end of my journey. That's the beginning of my journey. From there I have flight to Pune. Pune is the end point. Arthat Pune is not airport, Pune is called temple. So likewise, goodness is the springboard
You might have seen swimming tanks, swimming pools. So they go several story up, staircase is there, and then there is some kind of cantilever beam, a spring kind of effect is there. So the person, swimmer, goes to the end of that beam and he takes some jumps like that. Wing feet touch with the board only. You do like this, some 2, 3, 4, 5 times. And then one point of time when the springboard is going up, he will release himself off the board. And then will do somersaulting, he'll fall in the swimming pool, and then he'll swim very artistically. So the goal for him is to swim in the swimming tank. It's a swimming competition. If he goes there and 2 hours are over, 3 hours are over, he's only jumping up and down, all the audience will go, "Abhela pagal ho gaya ye. Khel raha hai wo. Okay, khel raha hai. Bachcha hai ke." Actually, they do not know what is goodness, passion, and love. Like in simple terms, day to day. Sattva gun, raja gun, tamo gun. What is exactly day to day life? Okay. So, day to day life also, tamo gun, I am coming to that actually, sorry. Here, notes are in a particular way. I went little bit reverse. Maybe that's why the problem. So, but I'll just complete this point. So the goal is to use goodness to go to pure goodness, bhakti. So now talking about what Prabhu is suggesting. So the characteristics of the mode of ignorance are three: nidra, alasya, pramada. Being very sleepy and also sleeping several hours a day. Nidra. Sleeping a lot. There are people in the world who sleep 8 hours a day, 9 hours, 10 hours, 12 hours. I think in a hostel you might have seen some record breakers are there. They break each other's record only. 14 hours, 15 hours. Some boys can sleep even 24 hours. God knows how they don't feel hungry, but somehow. So that is nidra. Alasya, laziness. Aaj karo so kal, kal karo so parso, parso karo so narso, aur hamesha tarso. बाकी तरसते रहेंगे, वो ढकेलता है आगे, आज नहीं, आज तो सेमेस्टर का पहला दिन है, वाई टू स्टडी, स्टडी एग्जाम इज आफ्टर 6 मंथ्स, सो लाइक दैट. सो ही इज प्रोक्रेस्टिनेशन, पोस्टपोनिंग थिंग्स, ही डजंट प्रीपोन, ही डजंट डू देम ऑन टाइम. समटाइम्स वी एज साधकर्स प्रैक्टिशनर्स स्टेइंग इन यूथ सेंटर लाइक दिस ऑल्सो, वी मे बी गिवन सम सम सर्विस बाय आवर सुपीरियर्स. एंड देन वी फील यू नो ओके, वो बोला है कि 2 बजे के पहले करना है, अभी 1 बज गए, थोड़ा है टाइम, ये तो 15 मिनट में हो जाएगा, थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा सो जाता हूँ, बाद में उठ जाऊँगा मैं 15-20 मिनट में, फ्रेश हो गए, एक कर दूँगा फट, 15 मिनट में हो जाएगा, 1:30, 1:45 इट विल बी ओवर मच बिफोर 2 o'clock. एंड देन यू स्लीप एंड देन समथिंग हैपन, समबडी शेकिंग यू, प्रभु इट्स 4 PM. I had service to complete before 2 p.m. I slept too much. You know the tortoise and rabbit competition. So basically, the rabbit was in passion, working very hard, running, 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 running. So in the higher mode, there are seeds of the lower mode. Because he worked very passionately, the seeds of ignorance were there. So he got tired. He thought, I am very close to the last point. Just little bit, I'll take rest. That fellow tortoise, slow guy. He can never make it. I'll just take some rest, get fresh, and run just a little bit of remaining. He slept and slept. The tortoise slowly walking, walking. Then after a long time, he saw the rabbit sleeping by the side of the road. He said, "No, I cannot sleep because I'm a slow person." Kept walking, 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 and he reached. After a long time, this fellow got up, ran with high speed, and saw tortoise has already reached. That's how the saying also comes: slow and steady wins the race. This comes from this story only. So all the slogans, road signs, proverbs, they all induce, inspire us to be in the mode of goodness. Like this one: slow and steady, this is goodness. Fast and unsteady, passion. Never to walk only or run only, that is ignorance. Slow, fast, some speed is there. The Pharaoh doesn't start only, he sleeps on this, he is ignorance. So one should be in goodness. Similarly, there is another saying, drop by drop makes into an ocean. So one drop, how one drop ocean can be formed? No, it will take time, but it will definitely happen. Continue, patience is in the mode of goodness.
यू नो इन द हाई हाई माउंटेन्स इफ द विंड इज ब्लोइंग फॉर अराउंड 1000 ईयर्स इन दिस डिरेक्शन एंड अ माउंटेन इज लाइक दिस इट्स ऑब्स्टेकल फॉर द विंड विंड कैन बट ओवर 1000 ईयर्स देर इज अ होल फॉर्म्ड थरा होल इन द माउंटेन You can go from this side of the mountain to that side through that hole. It will be hole. But this takes 1000 years. One day wind blows, even tornado or what you call storm comes, there will be no hole at all. Just not possible. But for years, it keeps moving, slowly penetrating. It will be thorough. On the well, you will find if you draw water with rope, the parapet wall. Boundary wall, which is made up of stone, but years later, because of the simple cloth rope brushing or abrading over that stone surface, what do you find? There is a groove formed over the stones. There is a like this. How? Because the same place rubbing. Similarly, in a stone also, if somehow water drop is falling exactly in one place. After some months or so, you will find thorough hole in that whole stone. How water can make a hole in the stone? By persistency, by continuous action. So nidra, alasya, laziness and pramad, madness. Even on the road, how many of you have seen people walking and talking to themselves? So I will not go there. And he's walking also, how many of you have seen? So what will you call them? There is nobody friend, nobody is there. He is walking alone and he is speaking as if somebody is here. Nobody is hearing him. He is gone crazy. There are some officially announced crazy fellows who are in lunatic asylum. Pagal khane mein ho. And some others are not officially announced. They are walking on the road and we are also pagal to some degree or the other. The madness. There is an article I think Prabhupada wrote. You know that, who is crazy? Materialists think. That devotees are crazy. Devotees know that materialists are crazy. Prabhupada wrote an article. Who is crazy? Very nice article. So, in one sense, we are also crazy. We are crazy for Krishna. Shunyaitam jagat sarvam govinda virahename. Just like somebody in love with woman, girl. Her name is Kalpana. Kalpana! तुम्हारे बिना मैं जीने की कल्पना ही नहीं कर सकता पागल हो गया वो जी नहीं सकता तुम्हारे बिना कल्पना और विवाह हो गया कुछ साल के बाद कल्पना तुम्हारे साथ में जीने की कल्पना नहीं कर सकता ये डाइवोर्स पेपर साइन कर दो मैं तुम्हारे साथ जी नहीं सकता तो ऐसे पागल जो होते हैं वैसे हम भी पागल हैं हम कृष्ण के लिए पागल होना चाहते हैं पक्का ऑफिशियली स्टैम्प्ड मैड फेलोस होल वर्ल्ड शुड से ये सुंदर श्याम दास इज गॉन मैड एंड होल वर्ल्ड सेज इंक्लूडिंग डिवोटीज फिर मेरा लाइफ इज अ सक्सेस एक व्यक्ति भी बोलता है कि नहीं नहीं पूरे पागल नहीं हुए हैं तो फिर आई एम अ फेल्यूर तो यहाँ मैं इसीलिए आया हूँ कि आप सब स्टैम्प कर दूँ सुंदर श्याम दास पक्का पागल है काम से गए यस काम से गए काम वासना से तो जाना है बाहर प्रेम में गए काम से गए लेकिन गए किधर प्रेम में गए तो अच्छा है ना दैट्स व्हाट वी वांट सो दैट इज निद्रा आलस्य प्रमास दिस थिंग सो वी आल्सो बिकम मैड समटाइम्स इन डिवोशन वी आल्सो प्रोकेस्टिनेट पुश द थिंग्स फॉरवर्ड एंड ऑल वी फॉरगेट अवर सर्विसेज ओनली समटाइम्स वी आर टोल्ड टू सर लंच प्रसादम और हम गए नहीं और कॉल आता है सीनियर का अरे प्रभु आपको लंच सर्विंग करने को बोला था ओ प्रभु रिमाइंडर देना चाहिए था प्रभु अरे प्रभु 5 मिनट पहले तो बोला था आपको सेवा करने को रिमाइंडर क्या चाहिए 5 मिनट के पास नहीं क्या हुआ तो मैं गया था उधर जा रहा था तो बीच में एक भक्त ने गुलाब जामुन दिए बोले अनलिमिटेड है ले लो तो मैं वो गुलाब जामुन लिया और टेरेस पे गया बाकी भक्त आएंगे तो उनके साथ शेयरिंग करना पड़ेगा मेरे को टेरेस तो वहाँ गया खाया थोड़ा नींद आया उधर फोम पड़ा था अपना सो आई रोम डाउन द फोम तो गया भूल ही गया सेवा तो इसलिए बोलते ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दान तो
अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करेगा ब्रह्मचारी, तभी गुरु की अच्छी सेवा कर पाएगा, नहीं अपनी इंद्रियों की वशीभूत हो जाएगा, इफ ही गेट्स कंट्रोल्ड बाय हिज सेंसेस, ही विल नॉट बी एबल टू बिकम अ गुड सर्वेंट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर. तो निद्रा आलस्य प्रमाद आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन इन मोड इग्नोरेंस. देन इन पैशन संग एंड तृष्णा, हार्ड वर्क एंड सेक्स लाइफ, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल इन द मोड ऑफ पैशन. दिस भुवनेश्वर इज क्वाइट अ गुड सिटी, मीन्स अपीयर समथिंग लाइक गुडनेस, मे बी सम पैशन, बट इफ यू कम टू बॉम्बे इट्स हाइट ऑफ पैशन. आई सॉ यू नो देयर लोकल ट्रेन्स, यू नो हाउ मेनी इफ यू सीन एटलीस्ट on late or something. My God, half the janta is inside local dabba, and half is hanging through the wind, through the doors. So I was there waiting for a train. So one train came, local train, full speed, and then it was stopping. The platform came, a station came, was slowing down. Before even it stopped, halted, so many hundreds and thousands jumped out of the running train, means slowing down train, it was not at halt, and ran. Not only they jumped, they ran on the platform, running, they very soon reached the escalator, nowadays government has, going upward. On the escalator they were running. And how they were running? First step, third step, uska bus chale to 10th step pe directly wo Vamandev step lega, lekin shayad nahi jamega, pant phat jayegi, ye jo bhi hai, to lekin jitna ho sake utna. तो मैं सोचा रहे वो एस्केलेटर ही बेचारा शर्मा के बंद हो जाएगा कि ये तो सब मेरे बाप है हाई स्पीड से जा रहे हैं. एस्केलेटर्स पर्पज इज ओनली डिफीटेड, इतना दौड़ रहे थे वो. सो दीज आर वेरी पैशनेट, हार्ड वर्क, पैसा पैसा पैसा, रुपया दिनार सेंट, नॉट SAINT सेंट, CENT सेंट, पैसा दिनार डॉलर्स. दिस इज वॉट पीपल हार्ड वर्क. डंकी शुड ऑल्सो बी फीलिंग अशेम्ड, इतना हार्ड वर्क करते. And sex life, for money, for what? For woman, for enjoying sex. Daytime work very hard, night time enjoy sex with one's own wife or some woman, some girl. Nidraya riyate naktam vivayena chavavayah divacharate hayarajan kutumba bharanenavam. Nidraya riyate naktam, night goes in sleeping. Vivayena chavavayah va or sex life. Either sleep in ignorance or in passion, sex life. With somebody. Nidraya riyate naktam vivayena chavavayah divacha arthe hayarajan. And daytime earning money for what? Kutumba bharanena va, for maintaining one's family. So this is how people work very hard to get some sex pleasure. Many many kings also. There is in Bhagavatam, it is shloka. Balam me pashya mayaya streemayya jayino disham या करोति पदाक्रांतान भुविजृंभेण केवलम. हाँ भुविजृंभेण केवलम. हाँ स्त्री बलम में पश्य मायया, जस्ट सी माय पावरफुल एक्सटर्नल बहिरंग शक्ति इन द फॉर्म ऑफ वुमन स्त्रीमय्या. बलम में पश्य माया स्त्रीमय्या जयिनो दिशां, शी कॉन्कर्स ऑल द डायरेक्शंस. Or those who conquer all the directions, very powerful kings, undefeatable kings. वो क्या कहते हैं? यह करोति पादाक्रांतान. उन्होंने सब दुनिया संसार जीत लिया. Alexander, Muhammad Ali, all big big powerful big shots in the world. यह करोति पादाक्रांतान भूवि जुम्भेण केवलम. अपनी बस एक क्या कहते हैं? अभी हम नहीं कर सकते. तो माता जी को आता है एक भोगा जो होता है आईब्रो, ऐसे घुमाएगी वो कि वो पूरा झुक जाएगा. आफ्टर कॉन्करिंग ऑल फोर डायरेक्शन ऑल किंग्स, ही विल कम टू इनर चेंबर ऑफ हिज वाइफ और गर्लफ्रेंड और समबडी, एंड ही विल टेक आउट हिज गोल्डन क्राउन, कीप एट हर फीट एंड से आई प्लीड यू फॉर सेक्स प्लेजर, प्लीज गिव मी सेक्स प्लेजर. सी वो कोशी सेज मेरे मेरे तलवे छाटो, मेरे पाँव में झुक जाओ, यस प्लीज ऑफर सम सेक्स प्लेजर. अच्छा तो पूरा गुलाम बन जाता है व्यक्ति स्त्री के सामने एक आईब्रो के कारण. अर्लियर किंग्स वुड बी देयर वर कंसेप्ट ऑफ कॉल्ड विषकन्या, दैट मीन्स फ्रॉम चाइल्डहुड द गर्ल वुड बी फेड लिटिल क्वांटिटी ऑफ पॉइजन, लिटिल, तो उससे मरती नहीं हो, शी कैन डाइजेस्ट द पॉइजन.
बट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स शी बिकम्स हाईली पॉइजनस फॉर अदर्स. सच गर्ल्स आर गॉट विषकन्यास एंड पावरफुल किंग्स हु जस्ट कांट बी डिफीटेड इन अ वार. यू जस्ट कांट डिफीट, दे आर सो पावरफुल. थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स अटैक, नोबडी कैन डिफीट देम. सच किंग्स इन द मिड नाइट यू जस्ट सेंड दिस वन विषकन्या, शी विल गो साइलेंटली अलोन एंड देन शी विल ओपन द डोर एंड शी विल ही विल सी होम सो ब्यूटिफुल. She will come close, she will embrace him and she will give lip to lip kiss. Kiss. And then he has missed. Life misses. He dies on the spot, collapses. Itna aasan hai maarna king ko. Just through one woman. So this is passionate life. So we also have passion coming from passionate upbringing, birth, etc. Modern lifestyle is very passionate. So much noise, people are working hard, maybe 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock in the night, seeing so many thousands of vehicles on the roads, metropolitan city, is not an abnormal thing, it's very normal. So many times I go to Pune airport, 12 o'clock, 1 o'clock in the night, traffic jam at 12 in the night, and morning 4 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock I go, full road is empty, so I am fast, you reach within 35 minutes or so. And night takes more time, 45 minutes, 50 minutes, 1 hour also. So, make a passionate life. And then goodness. In goodness, sukham and jnanam. One has happy life and he has knowledge. What to do, what not to do. So, such person in the mode of goodness, he follows the four regulative principles. Because he knows meat eating, gambling, illicit sex, intoxication. This is not good even for body. Forget about, overall well-being. So he avoids them, so he's sukhi. He follows the codes of conduct given in the scriptures. So he's sukhi and he has gyan, knowledge, material knowledge. A typical of this is Brahman. So he knows how to lead a meaningful life. Durlabham manusham janma tatapi adruvam arthadham. Human form is meaningful. So Brahman leads his life in an appropriate way. In a society of 1000 people, there are 900 Shudras, 90 Vaishyas, 9 Kshatriyas and 1 Brahman. In general. So that's why Manushyanam Sahasreshu Kashchid Yatati Siddhaye. Out of 1000 people, persons, one will try to know me. Who? Generally a Brahman. Not by birth, by his qualities and activities. And out of such 1000 Brahmanas, yatatam api siddhanam kashchin maam vettik tattvataha. 1000 people from that one Brahman, as we discussed, from this 1000, from this 1000 people, one person could actually know Krishna. So it's very, very, very rare to be a devotee of Krishna, pure devotee. There are many slokas for that. Muktanam api siddhanam. नारायण परायण कोटिशु सुदुर्लभ प्रशांताप आत्मा कोटिशु अपि महामुनि. करोड़ों कर्मियों में, सिद्धियों में, योगियों में एक कृष्ण भक्त इज वेरी वेरी रेयर. सो इन अवर लाइफ व्हाट टू डू, वी शुड चूज गुडनेस. दैट्स व्हाई वी हैव क्लीनलीनेस लाइक दैट. वी शुड क्लीन पर्टिकुलरली फैंस एंड ऑल दैट. व्हेन दे आर मूविंग सो फास्ट वी मे नॉट नो. From now also you can see on the top, that cover is there. Is it pure white or it's brownish white? At least here. Here also might be the case. I am able to see from here also. So we need to do this cleaning called Maha cleaning. How many of you do Maha cleaning here every week? Generally weekend, Saturday or Sunday. 'Cause if we don't do cleaning, how are our hearts going to get clean? Cheto darpanam marjanam. The mirror of the heart is covered with dust. Unless you dry away that dust, how would you be able to see your face? So we do cleaning. Every week there should be maha cleaning. And every day there should be cleaning of rooms. How many of you clean these rooms here every day? You all have your room to clean every day. Nobody has. You have.
नहीं, समीर होंगे आप ही साफ करते हैं आपके जहाँ कहाँ है सीटीएस तो आदर्श शुड आल्सो बी सेंड टू सीटीएस टू सी लर्न फ्रॉम हिम महाजन वही है ना गतः सपन था ही इज सेटिंग राइट एग्जाम्पल यू शुड फॉलो इन हिज होली फुटस्टेप्स सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लीनलीनेस वी ऑलरेडी डिस्कस क्षमा दमा अभी क्षमा मीन्स कंट्रोलिंग द माइंड नॉट सो ईजी ड्यूरिंग चैंटिंग दमा कंट्रोलिंग द सेंसेस समवॉट ईजियर बट अदर थिंग्स आर समवॉट तपह ऑस्टेरिटी फास्टिंग एंड एकादशी समथिंग लाइक दैट शौचम इज वेरी इलैबोरेट टू द एक्सटेंट दैट इन चैत्र महापुरुष पास्ट टाइम जस्ट रिसेंटली वी हैड रथ यात्रा बट बिफोर रथ यात्रा बिटवीन स्नान यात्रा एंड रथ यात्रा वॉट इज दैट गुंडीचा मंदिर मार्जन महाप्रभु पर्सनली लीडिंग दो गुंडीचा मंदिर मार्जन इज गोइंग ऑन फॉर हाउ मेनी इयर्स रथयात्रा इज गोइंग ऑन फॉर 15 crore 34 lakh years सो एज मेनी टाइम्स जगन्नाथ गोज दोज मेनी टाइम्स बिफोर हिज अराइवल इन गुंडीचा मंदिर इज क्लेंस्ड बाय द किंग थ्रू सुपरिंटेंडेंट थ्रू अदर गार्ड्स एक्सेट्रा सो फॉर 15 crore 34 lakh years गुंडीचा मंदिर मार्जन वॉज गोइंग ऑन एवरी इयर बिफोर रथयात्रा बट वेन महाप्रभु केम टू जगन्नाथपुरी स्पेशली आफ्टर साउथ इंडिया टूर दैट मीन्स 1512 देन ही रीच्ड आफ्टर साउथ इंडिया टूर वैशाख 1510 ही लेफ्ट एंड समवेयर देयर वैशाख जस्ट 1512 ही रीच्ड एंड वेरी सून वेन रथयात्रा इज कमिंग ही टोल्ड कॉलिंग द सुपरिंटेंडेंट दैट प्रभु वी वॉन्ट टू क्लीन गुंडीचा मंदिर सो वी वॉन्ट सम ब्रूम्स एंड earthen pots, etc. He said, no, 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 Lord, that's not required. The king has appointed guards and other cleaners. No need. It has been going on for years. Chaitanya Mahaprabhu said, no. We want to clean. Please arrange. So he arranged 100 brooms and 100 earthen pots. And you know the rest of the pastime. How personally Lord was leading. He was overseeing. And who cleanses? How much dust he collected? Anybody who collected more than others, he told, okay, you teach others how to properly. That's why I told all of us should learn. What is your name? Rohit. Lohitaksha. So from Lohitaksha Prabhu, we should learn. How to, because Mahaprabhu taught that. Everybody should learn from those who are doing better. And somebody did less than his capacity. Mahaprabhu chastised. What is this? You are lazy. You are working less. Work hard and clean the temple properly. And very details, a lot of details are given there, we will not go there. But we can see how Lord is personally showing by His own example. Prabhupada Himself, after cooking, offering the boga to the Lord in 22nd Avenue, feeding the, serving the hippies, they would go away, all the plates, everything is lying. Prabhupada personally would pick up the plates, take them to wash basin, etc. Clean the room, mop it. Personally, 70-year-old man, who किसी के नौकर नहीं थे उधर, and these people ungrateful in one sense, not even aware of what's happening. They were just allowing Prabhupada to go on with such simple, humble, menial services. And Prabhupada went on without any grudge, without any complaint. So cleanliness is very important. Shaucham. We should practice this, taking bath twice a day, wearing fresh clothes. Prabhupada said we should wage war against Maya. We have to wage war against Maya. So Maya is made up of gunas, three modes. So waging war against ignorance means going against unclean habits, surroundings, like that. We have to wage war. And going against passion also. That means being very humble and serving Vaishnavas, always looking forward to render service. And also in one sense going against goodness. By not thinking of being in cozy zone. There are three zones you might have heard. Comfort zone, stretched zone and panic zone. Panic means, comfort zone means enjoying life. We have nothing else to do. Stretched zone means kind of in goodness. We have so many services, you can't think of sleeping in the daytime. And you are very active like that. And at time you naturally feel sleepy, you sleep, etc. So stretch zone and then panic zone.
दैट इज रजोगुणी पर्सन, सो वर्किंग हार्ड हार्ड, आई एम टायर्ड. इन बॉम्बे पुणे सो मेनी पीपल वर्क वेरी हार्ड वीक डेज, 5 days और 6 days, संडे और सैटरडे, व्हेन दे आर कमिंग इन द ट्रेन फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे और पुणे टू बॉम्बे, दे आर सो टायर्ड, दे ऑलवेज हैव एसी टिकट, एसी बोगी, दे आर जस्ट कवरिंग अप देयर स्लीप. पूरा हफ्ते ध्यान ठीक से सोए नहीं हो, दे आर कवरिंग अप इन द वीकेंड. सो दिस काइंड ऑफ लाइफ इज नॉट रिकमेंडेड. स्टडी बाय सीइंग यू पीपल शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट, अरे प्रभु जी मंदिर में है, अरे वेनसडे होगा आज. हमारे राधा कुंजेवारी मंदिर में ऐसे एक गृहस्थ है, वो दिखे तो आप बिना झिझक बोल दो आज वेनसडे है. उनकी वेनसडे की सेवा है, पता नहीं कौन सी कुकिंग की या वेसल वॉशन, राधा कुंजेवारी के बर्तन या जो भी है, वेनसडे को आपको दिखेंगे ही दिखेंगे. अदर डेज इज स्टेज फार कैनॉट कम डेली, वेनसडे को दिखाई देंगे. तो इतना आपको देख के लोगों ने टाइम सेट करना चाहिए. अच्छा प्रभु आए 12 बज गए शायद दोपहर में, और श्योरली इधर 12 ही बजे होने चाहिए. इतना पंक्चुअलिटी, मोड ऑफ गुडनेस, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्याग सतोवृत्ते षडभिर् भक्तिर प्रसिद्धति. ये जो 6 के 6 क्वालिटीज है, इंथुजैस्टिक निश्चयात हैविंग कॉन्फिडेंस एंड धैर्य पेशेंस तत्त कर्म प्रवर्तना वॉट एवर द थिंग्स फेवरेबल फॉर यू वी एक्सेप्ट. संग त्यागात गिविंग अप एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्डली माइंडेड पर्सन. सतोवृत्ते है फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ सेंटली पर्सन. दिस 6 आर कैरेक्टरिस्टिक्स इन द मोड ऑफ गुडनेस. दैट्स व्हाई रूप गोस्वामी पाद रिकमेंड. बट बिफोर दैट ही डिस्कसेस अबाउट क्वालिटीज टू बी गिवन अप. अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यंश्च षड्भिर् भक्ति विनश्यति. भक्ति का नाश हो जाएगा ये रजोगुणी तमोगुणी क्वालिटीज के कारण. कि अत्याहार, जिसको कुछ भी नहीं करने के लिए वो खाता बहुत है. इवन ब्रह्मचारी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ मटेरियल डिजायर्स, बट देर इज नो वे दे कैन गिव आउट वे टू देयर मटेरियल डिजायर. दे विल एंड अप ईटिंग मोर एंड टॉकिंग मोर. टू प्रॉब्लम्स विद ब्रह्मचारी, दे विल ईट अ लॉट एंड दे विल टॉक अ लॉट. क्योंकि मटेरियल डिजायर्स हैं और कुछ कर नहीं सकते, वो चांस ही नहीं उनको, क्योंकि साधु के कपड़े पहने हैं, तो दे विल गेट ब्लॉक्ड देयर. तो अत्याहार बहुत ज़्यादा खाना अच्छा नहीं, दैट इज़ इग्नोरेंट. बहुत कम खाना भी अच्छा नहीं. भगवान से युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोध से योगो भवति दुःखः. 6.17 कृष्ण सेज दैट डोंट ईट टू मच, डोंट स्लीप टू मच, डोंट ईट टू लेस, डोंट स्लीप टू लेस. टू मच ऑफ ईटिंग मोड ऑफ इग्नोरेंस, टू लेस ऑफ ईटिंग मोड ऑफ पैशन, टू मच ऑफ स्लीपिंग मोड ऑफ इग्नोरेंस, टू लेस ऑफ स्लीपिंग मोड ऑफ पैशन. सो डोंट बी इन पैशन एंड इग्नोरेंस. कर्मण्येवाधिकारस्ते, बी इन गुडनेस, डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज. महाफलेषु कदाचन, डोंट बी पैशनेट, डोंट बी अटैच टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन. मा कर्मफल हेतुर्गुर्माते संगोस्तो कर्मणि. डोंट बी अटैच टू नॉट डूइंग योर वर्क, डोंट बी इन इग्नोरेंस. अरे फिर मुझे कुछ मिलने वाला नहीं ये सेवा से, मैं क्यों करूँ सेवा. नहीं, डोंट बी इग्नोरेंट, बी एक्टिव, बट डोंट बी अटैच टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन, डोंट बी पैशनेट. एवरीवेयर कृष्ण रिकमेंड्स गुडनेस ओवर पैशन एंड इग्नोरेंस इन भगवद्गीता. वेर एवर ही गिव्स कंसेशन ओवर प्योर डिवोशनल सर्विस, ही स्पीक्स डायरेक्टली प्योर डिवोशन, बट ही नोज इट्स डिफिकल्ट फॉर पीपल, सो देन ही सेज ओके, बी इन गुडनेस. यू सी स्टार्ट टू एंड एवरीवेयर सेम, बी इन गुडनेस, डोंट बी इन पैशन, डोंट बी इन इग्नोरेंस. बेस्ट इज टू बी प्योर डिवोटी, प्योर गुडनेस, बट इफ नॉट एट लीस्ट गुडनेस. सो वी शुड फॉलो लाइफ स्टाइल लाइक दैट. देर आर सो मेनी सेइंग, द अदर सेइंग ऑल्सो, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. इग्नोरेंट पीपल ऑल द टाइम स्लीपिंग ओनली, सो ही डजंट हैव टू गो टू स्लीप. पैशनेट पीपल दे विल नॉट स्लीप, दे विल स्लीप वेरी लेट, वेरी लेस. बट अर्ली टू बेड पर्सन इन द मोड ऑफ गुडनेस, ही विल स्लीप अर्ली, देन ही विल नेचुरली गेट अप अर्ली. Early to rise also, because body is biological clock. Generally 6 hours of rest, if you have not been working very hard physically, is good enough. If you are working hard, then 6.5 hours, 7 hours. But otherwise 6 hours is good enough. For children, lot of sleep is required. As we grow to youthful days, then 6 hours is good enough. So he says, early to bed, early to rise makes one healthy, wealthy, and wise. People in mode of goodness, they are healthy, they are wealthy, they are wise. So much money is saved,
from wrong activities. So we should adopt the lifestyle in the mode of goodness, because it is suitable to practice bhakti, devotional service, in peaceful condition, unagitated body and peaceful mind. Then one can chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Clear pronunciation and hearing attentively. When we are in ignorance, Hare Krishna Ram, they are in their own dham. And this Prabhu is going on something. So that is sluggish. So he cannot understand what is he chanting. That is ignorance, overpowering. And in passion, no sleep, no question. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare. Absolutely no sleep, no question of sleep. Because inside there are so many material desires. He is just working on them. कैसे सो सकते हैं? सो ही नहीं सकता हूँ. बाकी लोग अप्रिशिएट करेंगे, प्रभु क्या आप सोते नहीं, जब मैं सो ही नहीं सकता हूँ. वो डिजीज है उसका, इट्स हिज वीकनेस, इट्स नॉट हिज प्लस पॉइंट. बट अदर्स विल से प्रभु आप तो नींद आती नहीं. हाँ नींद कैसे आएगी, हज़ार चीज़ें कर रहे हैं अंदर मन में, सो ही नहीं सकता हूँ. सो दैट इज पैशनेट. ही कैन रिलीज होली नेम अप्रोप्रिएटली विद हिज टंग एंड लिप्स, बट ही कैनॉट हियर. माइंड टेक्स हिम अवे. But in goodness, one can utter, pronounce clearly and hear attentively. That is the gift of the mode of goodness. But this is not enough. One has to chant desperately. As Prabhupada says, like a small child crying for mother. Mother Hara connects him to Supreme Lord, Supreme Father, Hari, like that. So we have to desperately cry. But that is very high platform. Before, let us chant, pronounce clearly and hear attentively. For that we need to be in the mode of goodness. That's all, this cleanliness and all is very important. If we are not following these rules and regulations, we will feel sleepy in japa. You see yourself. Every place has its influence. The surroundings matter a lot. Ajami's question, case we already discussed. Very pure internally, but externally he came across a very bad sleep. He got carried away. So our surroundings and all that. Prabhupada says we should wage war against ignorance. Revolutionarily clean. Should be very clean. Many things can be said, but I will end here. Already we have gone far beyond time. Any question? नहीं है तो नहीं है, है तो पूछिए. हाउ मच वी शुड ईट? ओके, गुड क्वेश्चन. इट डिफर्स पर्सन टू पर्सन. एक दिन दोपहर को एक बजे करीबन आप फुल मील ले लो, ओवर ईटिंग. जितना खा सकते हो राइस उतना खाओ, जितना चपाती ले सकते हो उतना लो, उतना दाल, उतना सब्जी, दोपहर को एक बजे, नॉट नाइट. सब काउंट रखो एंड नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स टेक एवरीथिंग हाफ. अगर 10 चपाती खाए आपने तो 5 चपाती लेना, 4 स्पून राइस लिया तो आपको 2 स्पून राइस लेना, अगर 5 स्पून दाल लिया तो 2.5 स्पून आपको दाल लेना, और 2 स्पून सब्जी लिया तो 1 स्पून सब्जी लेना. सो देर इज श्लोक इन स्मृतिज दैट ही सेज द्वौ भाकोस् पूरयेद् अन्नस् तोयनदैकं प्रपूरयेत् मारुतस्य प्रचारार्थं चतुर्थम् अवशेषयेत्. सो ही सेज दो भागोस, टू पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, स्टमक, पूरयेत् अन्नस्, सॉलिड फूड यू ईट, हाफ द स्टमक, 50. दैट वी आल्सो डिस्कस हाउ तोयनदैकं प्रपूरयेत्, 1/4 फॉर वाटर एंड मारुतस्य प्रचारार्थं. मारुति मीन्स हवा, हवा के प्रचार, प्रचार यानी घूमना फिरना, इधर जाओ उधर जाओ, प्रचार करो. तो मारुतस्य प्रचारार्थम चतुर्थम अवशेषे, चौथा भाग हवा के लिए रख दो.
50% ऑफ स्टमक फिल्ड विथ सॉलिड फूड, 25% वाटर, 25% एयर. तो लाइक दैट यू शुड ईट ऑल दिस. बट ये कितना है मेरा 50% 20, उसके लिए एक बार दबा के खाना है, एक ही बार. दोपहर में, रात को नहीं, नहीं तो नॉक्टर्नल फॉल डाउन हो जाएगा, नॉक्टर्नल इमिशन हो जाएगा, सीमेन विल बी लॉस्ट. दिन में अच्छे से खाओ, जब दबा के उसका रिकॉर्ड रखो एंड वर्क हार्ड इन द डे टाइम सो दैट डाइजेस्ट हो गए, फिर रात में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. अगली बार से हमेशा आधा ही लेना है. एनी अदर? इफ इट इज नॉट सेंटर्ड अराउंड कृष्णा देन तो स्क्रिप्चर्स हैं, कृष्णा रति बिना जीवन तो मीछे हैं. इफ योर अटैचमेंट टू कृष्णा इज नॉट डेवलपिंग थ्रू एनी एक्शन, बी इट पैशनेट गुडनेस एंड इग्नोरेंस, जीवन तो मीछे, योर लाइफ इज बेस्ट. सो पैशन फॉर सर्विंग कृष्णा गुरु वैष्णवस इज ओके. प्रभुपाद हैड सो मच विगर पैशन, बट फॉर सर्विंग गुरुज इंस्ट्रक्शन दैट इज ओके. But if you have yourself in center and you are very ambitious, then you don't head in proper direction unless you come across some great soul. Like there had not been anybody in the creation as ambitious as Dhruva. 5 साल का बच्चा है, IIT भुवनेश्वर में नहीं रहना चाहता, IIT JEE के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले ब्रह्मा जी है सृष्टिकर्ता, उनसे भी बड़ा किंगडम चाहिए उसको, सबसे नंबर वन आदमी है उससे भी बड़ी चीज चाहिए उसको. 5 साल का बच्चा है और ये एम्बिशन लेके जा रहे थे भगवान की खोज में, लेकिन बीच में मिले नारद मुनि, गॉड डिलीवर. नारद सेड ओके फाइन, बच्चा एंड ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गो टू मधुवन वन ऑफ द 12 फॉरेस्ट इन वृंदावन एंड डू दिस डू दैट. ही डिड एवरीथिंग परफेक्टली. इन 6 months लॉर्ड कृष्णगर्भ appeared in front of his eyes. 6 months. There had not been anybody performing such austerities by which within 6 months Krishna got him not pleased. Demons do for demigods, that is different. Vrukasura did for Shiva. In 6th day, Shivji appeared. But we are talking about pleasing Lord Vishnu, not Shivji. Guru got pleased. So highly ambitious, but his ambitions were doubted properly under the able guidance of Narada. So he got Krishna only. And he lamented. He says, "Kachan vichinvan api divya ratnam swamin grotar tosmi varanam." I was looking for some broken pieces of glass when I wanted kingdom greater than my great grandfather Brahma. But now, when I obtained you, O Lord, I got transcendental gem. Kachan vichinvan api divya ratnam, divya ratnaya swamin grotar tosmi. I am completely satisfied. Varanayache. I don't expect, desire any benefit, any blessing from you. So if your passion is doubted under some expert devotee, then it's okay. Passion is like dam water, and pursuing your passionate desires is like breaking the walls of the dam water. What will happen? Damn things will happen. There will be devastation everywhere. People will die, animals will die, trees will be gone. Crops will be destroyed, no question of having drinking water, etc., all that. But same dam water, if it is operated, allowed to go for irrigation through expert management of an engineer who opens the gates appropriately in perfect fashion, so when the water comes out, life will flourish, prosperity will go, come, crops will flourish, animals, human beings, trees, everywhere there will be prosperity. Dam water is the same, but whether you break it open through passion or you allow it to systematically be used for irrigation, like in the mode of goodness, based on that you achieve two altogether different results, like north pole, south pole. That means if we are passionate for something and we are simultaneously passionate for Krishna, that is right. So Krishna's devotees should sanction that your passion of the other material things is appropriate. If not, it may not be proper. You may go for, let's say, something like MBA. As far as I know, at least in Symbiosis College in Pune, morning 6 to night kuch to 11, something like that. When I heard, I said, my God,
इसमें ईटिंग स्लीपिंग के लिए कुछ है ही नहीं क्या, है कि नहीं? चैंटिंग तो बाजू में ही रह गया, ईटिंग स्लीपिंग के लिए टाइम नहीं लग रहा इसमें। सो वेरी हाईली मटेरियलिस्टिक वेज ऑफ स्टडीज एंड टीचिंग एक्सेट्रा, वन शुड नॉट गेट इन दैट जोन, और इफ एट ऑल देन इट हैज टू बी डन वेरी केयरफुल, नहीं तो विल बी लॉस्ट। यस, should we end? What is the importance of semen retention? Semen retention is very important, because 64 drops of blood makes into 1 drop of semen. हम में से कौन है जो ब्लेड लेके ऐसे काटेगा और काउंट करेगा, एक दो तीन, हाँ 64 हो गए, क्वान्टिटी इज साइजेबल। एक ड्रॉप भी आगे भाया तो तुरंत हम विल वॉन्ट क्लॉटिंग, समथिंग विल ट्राई टू डू, बट थ्रू सीमेंट वन पार्टिकल 64 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड गो आउट, सो वन हैज टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, पर्टिकुलरली डीलिंग विद द अपोजिट सेक्स, यू शुड कीप सेफ डिस्टेंस, रिस्पेक्ट देम बाय एड्रेसिंग कॉलिंग देम एज माताजीज, एंड ओनली कॉन्टैक्टिंग देम स्पीकिंग एक्सेट्रा फॉर द सेक ऑफ सर्विस इफ इट इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज जीरो डीलिंग्स with women. Traditionally, the brahmacharis were trained in forest, 50 kilometers around, not even smell of a woman. Not no woman, no smell of woman. तो ये boundary है suppose 50 kilometer की, तो वो woman इधर भी खड़ी है, क्योंकि इधर है तो फिर 50 kilometer के अंदर उसका खुशबू आएगा, इतनी दूर होनी चाहिए कि जो खुशबू आ रहा है उसके शरीर से वो यहाँ तक ही जा रहा है, इधर ये border 50 kilometer periphery में आ ही नहीं रहा। ऐसे बहुत पक्का ट्रेनिंग होता था, अभी हम सब ब्रह्मचारी लोगों को सिटी में ही रहना होता है, प्रॉपर वांटेड अस, बट इफ यू फॉलो प्रॉपर टीचिंग्स व्हाट ही हैज सेड, मात्रा शस्त्र अभित्र व न अविविक्ता सनो भवे बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अभिदर्शति। तो बहुत सारे श्लोक हैं कैसे स्त्री से बर्ताव करना चाहिए, सावध रहना चाहिए, नहीं रहेंगे सावध नजर हटी दुर्घटना घटी। तो प्रभुपाद के ग्रंथों से या हरि नाम के श्रवण से नज़र हट गई तो दुर्घटना घट जाएगी, सीमेन विल बी लॉस्ट। सीमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द वाइटलिटी, ओजस, तेजस, मेमोरी, रिमेम्बरेंस, रिमेमराइजिंग थाउजेंड्स ऑफ श्लोकस, इट ऑल बिकम्स ईजी वेन वी रिटेन द सीमेन। पतंजलि से रहती दैट मरणात बिंदु पतनात, बिंदु यानी सीमेन ड्रॉप, पतनात इफ यू रिलीज वन ड्रॉप ऑफ सीमेन मरण यू आर अप्रोचिंग डेथ वेरी फास्ट, सो वी डोंट वांट टू अप्रोच डेथ, वी वांट टू कॉन्कर ओवर डेथ, सो रिटेनिंग सीमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलीजिंग सीमेन इज ओनली इन सेक्शुअल एक्ट फॉर द हस्बैंड विथ हिज वाइफ फॉर प्रोक्रिएशन, सेक्स फॉर प्रोक्रिएशन एंड नॉट फॉर रिक्रिएशन, मनोरंजन के लिए नहीं है, संतति उत्पत्ति के लिए। सो ओनली हस्बैंड यूजेस इट विथ हिज वाइफ फॉर प्रोक्रिएटिंग अ चाइल्ड और व्हाटएवर, यूजेस एज मेनी टाइम ही वांट्स चिल्ड्रन, बट अदर्स नो क्वेश्चन ऑफ लूजिंग सीमेन, वन विल फील वीक देन, वन विल बिकम डल, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, डिटर्मिनेशन नहीं रहेगा, सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट लाइफ मीन्स ब्रह्मचारी लाइफ आइडियली, so even if you are not in the forest 50 kilometers around no smell of woman, so in that Bhuvaneshwar city, whatever the area, IT or something, things around, but still control yourself, don't look in wrong direction and have positive engagements by which you don't get distracted and lose semen. Should we end? श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौरवभक्तवृंद की जय, निताय गोत्रमानंदे।